आप एयरटेल पेमेंट बैंक के यूजर हैं तो आपके लिए दो अपडेट आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी से ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें पहले अपडेट की, तो वो एक गुड न्यूज आप कह सकते हो। गुड न्यूज ये है कि जो SMS चार्जेस आपको पहले भरने पड़ते थे पर क्वार्टरली 15 रुपए प्लस GST, वो अब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में नहीं पे करने हैं। आप SMS सर्विस का जो यूज है फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। बट रुको जरा, सबर करो, क्योंकि SMS चार्जेस तो इन्होंने माफ कर दिया है, लेकिन अब आपसे पर क्वार्टरली जो है ऑपरेशन चार्जेस फी लिया जाएगा जो कि 15 रुपए प्लस GST है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सेम बात वही पर आ जाती है। अगर मैं इसे आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊं तो SMS चार्जेस को इन्होंने मर्ज कर दिया है ऑपरेशनल चार्जेस में, जो कि अब आपको SMS चार्जेस के नाम से आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, बल्कि ऑपरेशनल चार्जेस के नाम पर आपसे 15 रुपए प्लस GST लिया जाएगा। और इसके साथ जो एनुअल फीस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है आपसे 49 प्लस GST आपसे एयरटेल पेमेंट बैंक जो है लेगी। और ये जो सर्विस है इफेक्टिव होगा 10 दिसंबर 2022 से, यानी 10 दिसंबर 2022 के बाद में आपको SMS चार्जेस नहीं पे करने हैं, ऑपरेशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप भी अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के यूजर हैं तो हो सकता है आपको इसके रिगार्डिंग मेल या SMS मिल चुका होगा। नहीं मिला है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आपको जल्द ही जो है मेल या SMS मिल जाएगा। सो यही दो इंपॉर्टेंट अपडेट थे एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर्स के लिए। तो आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते हैं तो आपको ये अपडेट कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।